नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच टाले जा सकते हैं? क्या पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ऐसे सख्त कदम की संभावना को टटोल सकता है? क्या चुनाव टालने का रास्ता उपलब्ध रहता है? ये तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब ओमिक्रॉन वेरियंट्स के पांव पसारने के बाद तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों भीड़ जुटने के चलते कोरोना फैलने के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव टालने की अपील की थी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में तीसरी लहर बड़े पैमाने पर आ सकती है, जबरदस्त नुकसान हो सकता है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। अब तक चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि चुनाव स्थगित नहीं होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अनुभव को देखते हुए इस बार चुनाव प्रचार और बाकी चीजों में सख्त एहतियातन कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दूसरी लहर चरम पर थी और रैलियों में भारी भीड़ की तस्वीरें आने से चुनाव आयोग पर कई सारे कड़े सवाल भी उठे थे। उस समय जब हालात काफी खराब हो गए थे, चौतरफा चुनाव आयोग की आलोचना हुई थी, तब जाकर चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हर तरह का चुनाव प्रचार बंद रहेगा। साथ ही यह भी तय किया कि जिन इलाकों में चुनाव होना है वहां प्रचार 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले बंद होगा। इसके बाद भी इस आदेश का कोई खास असर जमीन पर, धरातल पर दिखाई दिया नहीं था। आयोग से कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त सवाल भी पूछे थे और कड़ी टिप्पणी भी की थी। चुनाव के दौरान 1 दर्जन से अधिक नेता बीमार हुए, 3 उम्मीदवारों की मौत तक कोविड से हो गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी कर डाली थी। इसके बाद भी आयोग को जब चौतरफा घिरने के बाद कुछ समझ नहीं आया तो ये सफाई देनी पड़ी थी और काफी दिनों तक ये सफाई देते रहना पड़ा था कि आखिरकार गलती कहाँ हो गई थी, चूक कहाँ हो गई थी। ये चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़ा कर गया था। इसे देखते हुए आयोग इस बार बेहद सतर्क है। ऐसे में कई अहम और बुनियादी सवाल उठते हैं कि क्या 5 राज्यों में चुनाव समय पर होंगे या फिर टाल दिए जाएंगे। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। ऐसे में जितनी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही है उतने ही गंभीर कुछ सवाल भी। मसलन बहुत सीधा सा और बहुत छोटा सा सवाल, चुनाव जरूरी या जिंदगी? जितना छोटा है उतना ही गंभीर भी है ये सवाल कि चुनाव क्या आम लोगों की जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? ओमिक्रॉन बढ़े तो फिर चुनाव क्यों ना टले? और जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर नजदीक आती जा रही है, आखिरकार क्यों ना टलने का फैसला ले लिया जाए? दूसरी लहर का मंजर क्या भूल गया चुनाव आयोग? ये भी बड़ा सवाल। क्या चुनावी रैलियां बनी कोरोना विस्फोट की वजह? यह भी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की, अन्य तमाम राजनीतिक दलों की रैलियां ही रैलियां नजर आती है, जबरदस्त भीड़ उन रैलियों में उमड़ी हुई नजर आती है। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। रात में कर्फ्यू, दिन में रैलियों की इजाजत क्यों? क्या दिन में कोरोना नहीं फैलता? ये सवाल लोगों के जहन में उठता है। चुनावी रैलियों पर रोक आखिर कब लगेगी? कब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? शादियों में 20 और रैलियों में 20,000 क्यों? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक? आम जिंदगी की क्या आखिर कोई कीमत नहीं बची? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल बना हुआ है और आज तमाम मेहमानों से इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे हम कि आखिरकार चुनाव क्या इतना जरूरी है? दिल्ली में 5,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 992 केसेस सामने आए हैं, यानी कि तकरीबन 1,000 के करीब। ऐसे में क्या लग नहीं रहा कि जिंदगी को अगर हमें बचाना है, दूसरी लहर का मंजर, वो दंश एक बार फिर से नहीं झेला है, तो अभी हमें कोई फैसला लेना होगा। हमारे साथ इस समय खास पैनल में कंचन द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। विशाल राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत स्वागत करती हूं आपका। रवि पालेश्वर भी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे और डॉक्टर मोहम्मद अमीन
ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग के। लेकिन चर्चा की शुरुआत कंचन द्विवेदी जी, आप ही के साथ। सीधा सवाल, क्या सत्ता और कुर्सी के सामने आम आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं, कीमत है या नहीं, बताइए जरा। निराशपद है, बिना आधार है, व्यवहार है कि जीवन होगा तभी तभी कुछ भी हो सकता है। अगर जीवन ही नहीं है, जान है, तो फिर जान है, जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं। और हमने, हमारी बीजेपी पार्टी ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है हर बार। जब बंगाल का चुनाव हुआ तब भी हम लोग इस बात का ख्याल रख रहे थे और हम लोगों ने बहुत संभलने की कोशिश, बताने की कोशिश की। हम लोगों ने तो वैक्सीनेशन का भी इतना अच्छे से काम किया कि WHO को भी हमारी तारीफ करनी पड़ी। और इस एक बात ये तो सभी को कहनी चाहिए, मुझे लगता है विपक्षी दलों को भी इस पर सवाल जवाब नहीं करने चाहिए कि जब जिस समय विपक्ष अपने अपने घरों में बैठा हुआ था, वहां पर हमारी पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, सब लोग दौरे पर थे और सब लोग देश की जनता के लिए फिक्रमंद थे और सभी लोग अपने अपने तरीके से सभी का ख्याल रख रहे थे। और आज भी जो चुनाव है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी बिना इल्जाम लगाए हमें छोड़ा नहीं है। और आज भी जब हम सोच रहे हैं कि चलो कोई भी बात है कि ऐसा ना हो कि जीवन का कोई सवाल आ जाए, इसलिए हम लोग अगर थोड़ा सा भी मीटिंग ही करने लगते हैं तो इनको ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी चुनाव रोकने के लिए मीटिंग कर रहे हो, तो उनके विपक्ष में बात करने लगते हैं। और जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं चुनाव, जब हम कह देते हैं कि नहीं चुनाव होगा, चुनाव आयोग की अनुमति से, बेशक ऐसी बात नहीं है शिल्पा जी, क्योंकि ये जो निर्णय है वो चुनाव आयोग और विपक्ष और कंचन जी अनइंटरप्टेड मैंने आपको लेकर ही किया, बीच में बिल्कुल नहीं टोका। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हो, क्या वहां पर सामाजिक दूरी देखने को मिलती है? वो तस्वीरें हमने देखी है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ना वहां पर लोगों ने मास्क लगाया हुआ था और सामाजिक दूरी की तो मानो धज्जियां उड़ रही थी। सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से सारे लोग ये प्रयत्न करते हैं कि कोई भी ऐसा ना हो जो बिना प्रोटोकॉल के जाए कोरोना के। बाकी मैं कह सकती हूँ जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके आधार पर डॉक्टर वगैरह बता रहे हैं कि जो कोरोना का प्रभाव है, जो दूसरी चीन में आ चुका था दूसरी बार में, वो उतना प्रभाव नहीं दे रहा है। जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे भी काफी असर है। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ओमिक्रॉन केसेस जो सामने आए हैं वो डबल वैक्सीनेटेड थे, वैक्सीनेटेड थे, दोनों डोजेस उन्होंने ली हुई थी, बावजूद इसके वो ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए, शिकार हो गए। उसी के लिए, उसी के चीजों को, इन सब चीजों को, कि क्या नया कोरोना का प्रभाव होगा, उसी को बचाने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। आदरणीय योगी जी, मोदी जी हर बार परेशान है कि अब की बार में क्या करना चाहिए और उसकी पूरी योजना बना रहे हैं प्रतिबद्ध तरीके से, इसमें नो डाउट है। लेकिन विपक्ष का काम है बात करना, तो वो लोग बात कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। ठीक है, विशाल राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, क्या ये जिंदगियों के लिए साथ खिलवाड़ नहीं है? और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, आज बरेली में क्या हुआ सर? ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस ने जो मैराथन आयोजित करवाई थी वहां पर बच्चियां कैसे भगदड़ में दबी, और वो भी एक बार को छोड़ दीजिए तो देखिए जरा इतनी बड़ी संख्या में बच्चियां बिना मास्क के वहां पर दौड़ती हुई नजर आई, सामाजिक दूरी नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी। क्या इस तरह से आप अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं सर? आम लोगों की जिंदगी को क्यों खिलवाड़ पर, क्यों उन्हें दांव पर लगा रहे हैं? देखिए कि जो वर्तमान में आज जो कोविड का प्रकोप है, जो दूसरी लहर हम लोग देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी प्रवक्ता अभी बहुत गंभीर विषयों पर बात कर रही थी। तो जो वर्तमान में जो सरकार है, ये हमेशा, आप कभी भी इसको देखिए, चुनावी मूड में रहती है। इनको जनता के, भारत देश की जनता के, आम जनमानस से इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि यदि आज दूसरी लहर में जो उत्तर प्रदेश और देश की हालात रहे, वो ना हमसे छुपे हैं ना आपसे छुपे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी जो समर है, जो चुनावी समय चल रहा है, तो इसमें कोविड नियमों का पूर्णतया पालन भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जान से बढ़कर ना कोई राजनीतिक चुनाव है ना कोई है, तो वर्तमान में जो स्थिति है, तो इस पे जो गंभीर विषय है, इस पे चुनाव आयोग को मजबूती से फैसला भी लेना चाहिए। और क्योंकि ये जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ विषय है, इस पे जो भी कदम होने चाहिए वो। लेकिन चुनाव आयोग ने जब आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने तो कह दिया ना कि भाई हाँ, हम समय पर चुनाव चाहते हैं, रैलियों में भी गाइडलाइंस का पालन कराने का आश्वासन आप लोगों की तरफ से दिया गया,
तब जाकर चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि चलिए ठीक है, आप लोग अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ठीक है, रैलियों की इजाजत है, समय पर चुनाव आयोग, लेकिन पालन हो ही तो नहीं रहा। चुनाव आयोग अभी आप देखिएगा, चुनाव छुपा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग चुनाव कोरोना काल में देख चुके हैं, और जितना भी चाहे उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन हो चाहे चुनाव आयोग हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बना बैठा हुआ है। और आप खुद देखिएगा कि पूरे चुनाव में, चाहे कोरोना काल की बात बन के देख लिया जाए, उसमें भी सबसे ज्यादा यदि किसी ने विपक्ष के तौर पर आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, कि सरकार क्या, हम तो चाहते हैं कि जो भी हो निष्पक्ष हो, क्योंकि इसमें आम जनमानस के जान की सवाल है, क्योंकि जो भी चीजें हो, कोविड की जो नियम बनाए जाएं, वो चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए समान हो। ऐसा ना हो कि जो विपक्ष है उसके ऊपर लगातार केस ला दी जाए, उनको रैलियां रोड शो ये सब चीजें करने की परमिशन ना भी दी जाए, कोई तो क्या आप यही चीज इंप्लीमेंट करेंगे अपने पंजाब में भी? पंजाब में तो आपकी सरकार है, बिल्कुल पंजाब करेंगे, पंजाब में जितनी घटनाएं नहीं सुनाई पड़ी, राजस्थान में जितनी घटनाएं नहीं सुनाई पड़ी, आज उत्तर प्रदेश है। आप देखिएगा सत्ताधारी सत्ता का दुरुपयोग कैसे करेंगे, और कोरोना काल में कैसे प्रोटोकॉल का मजाक और धज्जियां उड़ाते आपको दिखेंगे, और इसे पिछले चुनाव में आपको दिखे भी होंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव ही मुख्य है, जान जनमानस की जान से इनका कोई साहूकार नहीं है, इनको प्रोटोकॉल। विशाल राजपूत जी, फिर आप इन्हें सही साबित कर दीजिए कि इन्हें सिर्फ चुनाव की फिक्र होती है, जनता की नहीं। आप पंजाब में बोल दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि कांग्रेस कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगी, कोई रैली नहीं करेगी, क्या आप कर पाएंगे? देखिए, मैंने अभी भी एक बात को जोड़ा, उससे संबंध आप भी होइए कि कोरोना काल में जो भी चुनाव प्रोटोकॉल बनाएगा उसका पालन विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी हो, जो कहीं किसी भी प्रदेश का हो, उसको करना ही पड़ेगा, वो करना ही चाहिए, क्योंकि जो चुनाव है चुनाव जनता के ध्यान से बाहर नहीं है। बीजेपी की सरकार है वहाँ पालन नहीं हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पालन नहीं हो रहा है, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है? आरोप प्रत्यारोप कि इसकी गलती और उसकी गलती, इसकी गलती उसकी गलती के चक्कर में आम लोगों की जान पर बर्बाद। ठीक है, आपकी बात का जवाब देना चाह रही है कंचन द्विवेदी जी, उसके बाद राहुल लाल जी का रुख करूंगी, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन जी, जल्दी से आपका क्विक रिएक्शन। जैसा कि आपने अभी सुना कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा कि वो बोल रहे हैं कि इनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, मतलब इनको ना तो आईटी पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना सीबीआई पर भरोसा है, इनको किसी भी जो देश की एजेंसियां, इनको भरोसा नहीं है। इनको किस पर भरोसा है? भोपाल कांड पर भरोसा है, जीप कांड पर भरोसा है, इनको जो आदर्श घोटाला है उस पर भरोसा है, इनको इन सब चीजों पर भरोसा है। और दूसरी बात मैं कहूँ, अभी भी इन्होंने कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि आप बहुत जल्दी में है, इन्होंने अभी भी मजाक की बात कही, हम लोग मजाक कर रहे होते ना शिल्पा जी तो हम लोग 150 से ऊपर वैक्सीनेशन नहीं किए होते, हम लोग मजाक कर रहे होते ना शिल्पा जी तो हम लोग मजाक उत्तर प्रदेश के कोरोना दिख गया, पूरी पूरी जितनी नदियां थी इलाके की भरी हुई थी, संसार में जगह नहीं थी इलाज दिलाने की, और जिला चिकित्सा सिविल जो अस्पतालों की जो स्थिति उसकी छुपी नहीं है। आप सीजन आप दो नहीं पाए हैं, आप दवाई मुहैया नहीं करा पाए, किस मुंह से आपने जो प्रवासी मजदूर थे एक स्थान से उनको अपने घर पहुंचाने का काम नहीं कर पाए, आप हर जगह फेल साबित हुए हैं। सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी क्या आप लोगों ने अपने वक्तव्य में, अपनी बात में वर्चुअल रैली का जिक्र किया? क्या आप लोग चाहते ही नहीं है? जी, मैं एक बार कह दूं, जैसा कि अभी ये मजाक की बात कर रहे थे शिल्पा जी, तो मजाक इनसे जरा पूछिए ना कि मजाक क्या होता है? क्या प्रियंका जी मजाक नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो फिर भी प्रोटोकॉल के साथ में सारी चीजें कर रहे हैं, हमारी किसी भी रैली में नहीं। मैडम, देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की तस्वीरें जरा उठाकर देख लीजिए, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ती वहां पर नजर आई है, और वो तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। दूध का धुला कोई भी नहीं है, वो भी गलती है। बरेली में जो हुआ वो भी गलत है, देवबंद में जो हुआ वो भी गलत है। राहुल लाल जी, आपके पास आते हुए, राहुल लाल जी, आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन समाधान क्या हो सकता है? वर्चुअल रैली क्या नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो हो क्यों नहीं रही है? आम जनता ये जानना चाहती है। शिल्पा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि इतने गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कभी आदर्श घोटाला पे पहुंच जा रही है, कभी कहीं पहुंच जा रही है। मामला यह है कि इस समय एक तरह से ओमिक्रॉन के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री कहते थे कि जान है तो जहान है। हम लोगों ने देखा है पहली बार कि किस तरह से सेकेंड लहर में पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, महाकुंभ हो रहे थे, और उसका कितना भारी खामियाजा पिछले बार
पिछले वर्ष में हम लोगों को भुगतना पड़ा है हम लोगों को, तो मैं तो इसमें यह कहूंगा कि पहले अगर कोई संभावना हो अगर तो चुनाव की तिथियां अगर थोड़ी भी टल सकती हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने यह भी चीज देखा कि एक पीक आता है उसके बाद फिर मामले फिर घट जाते हैं। अगर सेकंड लहर के समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव को रोक दिया जाता 3 महीने बाद कराए जाते हैं तो फिर वो चुनाव काफी अच्छे से हो सकते थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखा है हम लोगों ने कि पंचायत चुनाव में कैसे 2000 से ज्यादा शिक्षक मारे गए उसमें चुनाव ड्यूटी में लगे हुए, तो ये तो जनता के साथ बिल्कुल क्रूर मजाक है। इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा, इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा, अरे इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां भी तो उसके भागीदार है ना। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन पर तो ठीक रिपोर्ट दिया जाता है, राजनीतिक दल खुद क्या चाहते हैं नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल सर, राजनीतिक दलों के मनसा के ऊपर अभी देश सवाल खड़ा करेगा। कोई भी जो बुद्धिजीवी होगा, जिसके पास जो भी अपने परिवार को लेकर चिंतित होगा, वो इस समय इन 5 विधानसभा चुनावों के कारण हर कोई चिंतित है इस समय। बिल्कुल, हम लोग नहीं देखना चाहते जो पिछले साल जो मंजर हुआ वो मंजर हम लोग दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। आप वर्चुअल रैली के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि नहीं रैलियां जो है कि कराई जाएंगी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। कोई भी रैली हमें ऐसी अभी तक दिखी नहीं है जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा हो। एग्जैक्टली, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी क्यों नहीं हो। बिल्कुल, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली क्या बात है कि वहाँ भगदड़ हो गया और वहाँ भगदड़ नहीं हुआ। सरकार तो फेल हो रही है इसमें। इसलिए शिल्पा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा ये पॉलिटिकल पार्टियां जनता के जान को लेकर गंभीर नहीं है। ये जनता की जान की कीमत को गंभीरता से नहीं समझ रही है। इनको समझना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि कोरोना बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा को नहीं देखती, दिन और रात को नहीं देखती, अमीर गरीब को नहीं देखती, कोरोना हिंदू मुसलमान को भी नहीं देखता, और तमाम लोगों की जिंदगी इस समय स्टेक पर लगी हुई है, यानी कि दांव पर लगी हुई है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है तमाम राजनीतिक दलों से ये प्रश्न करना कि वर्चुअल रैली की अगर सुविधा है तो फिर ये लोग करते क्यों नहीं है? इन्हें डर किस बात का है? क्यों जानबूझकर अपने ही हाथों अपने ही लोगों को जानबूझकर एक तरीके से कुएं में धकेल रहे हैं, एक तरीके से उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं? राहुल लाल जी, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी जुड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक है। बहुत स्वागत करती हूँ अमीन साहब आपका। अमीन साहब, या तो चुनाव पीछे टाल दिया जाए, और अगर ये संभव नहीं है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, तो इस तीसरी लहर की आशंका के बीच, बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के केसेस के बीच, कम से कम चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। सर, ये कैसे हो पाएगा? आप लोगों के हाथ में क्या है और सरकार क्या कर सकती है अगर उसकी मंशा हो, जरा आज स्पष्ट करें। देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी हम सभी दलों को सुन रहे थे जी, बड़े प्रेम पूर्वक हर दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछता है और कहता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न समझते हुए जनता के प्रति सब उठा के हमारे इलेक्शन कमीशन पर सब देता है। और जनता जान रही है, जनता सुन रही है, आपको भी और मुझे भी जी। मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कर देना चाहता हूँ कि ये अभी आपने भी देखा, पूरा मीडिया ने देखा, जब सारे दलों को बुलाता है इलेक्शन कमीशन, तो इनके सारे दलों ने फुल कमीशन के सामने कहा चुनाव तुरंत होने चाहिए। जबकि आपको पता होगा कि 153 में रूल है, थोड़ा सा हम एक्शन कर सकते हैं, और 6 महीने के बाद अगर एक्शन करेंगे तो उसके लिए हमको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए ये लोग तैयार नहीं है, और यही कह देंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है सरकार के प्रति जो है वफादार है। इस तरह की बातें लगाते हैं ये लोग, और ये बात अपनी झूठ मानते हैं। और अभी भी आज आपसे बात जबकि झांसी के बरेली की रैली की, तो उसके बावजूद ये कांग्रेस झूठ बोल गए और सब कहने लगे कि ये इन्फ्लुएंस है इस गवर्नमेंट से। इनको शर्म आनी चाहिए कि आजादी के बाद से इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है देश में, और हमेशा निष्पक्ष और सेफ और सुथरा चुनाव कराता रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज हम लोग इसलिए पहुंचे हैं कि कहीं पर किसी पोलिंग स्टेशन पर चुनाव हो रहा होता है, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ देख रहा होता है, वहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और इनको शर्म आनी को इस बात की जो है इलेक्शन कमीशन को बात कर सकते हैं। क्यों? क्या ये जब सत्ता में थे क्या इन्होंने ये हमको इन्फ्लुएंस किया था इलेक्शन कमीशन को? इनके बात वापस लेनी चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए हैं, बल्कि अपनी स्थिति देखें, इनकी स्थिति क्या है, ये अपने जनता को समझा पाए, अपने जनता को बता पाए, रैलियों में क्या सुधार ला पाए,
स्थिति को देखते हुए, अब जैसा कि आपने खुद भी कहा कि तमाम राजनीतिक दल अभी से शुरू हो गए हैं चुनाव आयोग को कोसना, अगर कल को भयावह तस्वीरें सामने आई तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाएगा। ऐसे में मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या अभी भी समय है, क्या अभी भी रिव्यू किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया ये फैसला, क्या चुनाव आयोग अभी भी राजनीतिक दलों से बात कर सकता है, क्योंकि ज्यादा देर हुई नहीं है, डेट्स के अनाउंसमेंट अब तक हुई नहीं है, कि क्या अभी भी ये लोग चाहते हैं या फिर थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है? मैडम ऐसा है कि ये लोग जो हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को उत्तरदायी ठहराते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूरी बात की है, अधिकारियों से बात की है, थैंक गॉड टू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कि देश में टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम करा दिया, इसकी वजह से हम सेफ और सुरक्षित चुनाव करा पाएंगे। पहले जो 5 स्टेट के चुनाव हुए थे उससे बेटर स्थिति है। हमारे इलेक्शन कमीशन ने खुद दौरा किया, पूरे फुल कमीशन ने अधिकारियों के साथ से बात की है और इन लोगों से बात की है। हमारे पास सिर्फ ये कहना है कि अगर ये लोग सुरक्षित चुनाव चाहते हैं तो इनके लीडर जो बिलेवेट लीडर है उनको चाहिए कि वो खुद भी प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी जनता से अपने कार्यकर्ताओं से पालन कराएं। सवाल इस बात का है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने रियली बहुत अच्छी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी चुनाव रैलियां जो है डिजिटल करेंगे। लौटती हूं आपके पास राहुल लाल जी, चुनाव आयोग के सामने तो राजनीतिक दल गारंटी ले लेते हैं कि ठीक है हम ये सारी गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे, आप चुनाव को मत टालिए, हम इस फेवर में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब धरातल पर उतरते हुए इन गाइडलाइंस का पालन कराने की बात आती है तो तमाम राजनीतिक दल फेल हो जाते हैं, बल्कि यूं कहा जाए एक तरीके से कॉम्पिटिशन हो जाता है कि किसकी रैली में कितनी ज्यादा भीड़। देखिए हम लोगों ने ऐसा तो है नहीं कि कोरोना काल में कोई ये पहला चुनाव होने जा रहा है, पिछले साल के चुनाव हम लोगों ने देखे ही हैं, खुद वहां पे गृह मंत्री जी मास्क लगाए हुए नहीं दिखते थे, तमाम जो दूसरे पार्टियों में हम लोग क्या ममता बनर्जी के रैलियों में हम लोग देखते थे कि वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, किसी में भी कोरोना जो जिसमें कोरोना बिल्कुल अपने उच्च स्तर पे था उस समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। तो अभी भी जब सभी पार्टियां कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, वो लोग दिखा तो दे देश को, हम मुझे खुशी होगी कि चलिए कोरोना के बीच में भी साफ स्वच्छ और अच्छे ढंग से इलेक्शन इस देश में हो सकता है, ठीक है, दुनिया को एक संदेश चला गया। अगर आप कोरोना के बीच में कैसे हो सकता है इस पर हम आगे करेंगे चर्चा। फिलहाल आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जाने की कोशिश कि बंगाल चुनाव के बाद वो डरा देने वाली, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें पूरे देश से सामने आई थी, बावजूद इसके हम लोग सबक लेने के लिए तैयार क्यों नहीं दिखते हैं? पक्षर से ब्रेक का, लौटते जल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका, आज अखाड़े में चर्चा हो रही है चुनाव ज्यादा जरूरी या फिर जिंदगी, ओमिक्रॉन बढ़े तो फिर चुनाव क्यों ना टले, दूसरी लहर का मंजर क्या भूल गया है चुनाव आयोग, क्या चुनावी रैलियां बनी कोरोना विस्फोट की ही वजह, रात में कर्फ्यू दिन में रैलियों को फिर इजाजत क्यों, चुनावी रैलियों पर रोक आखिर कब लगेगी, शादियों में 20 तो चुनावी रैलियों में 20,000 की इजाजत क्यों, लोगों की जान के साथ कब तक होता रहेगा ये खिलवाड़। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम खोज रहे हैं जवाब, हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है, एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए कंचन द्विवेदी जी, सीधा सवाल, क्या आप लोग वर्चुअल रैली के लिए तैयार हैं, बता दीजिए आज जी। मैं सुन नहीं पाई हूं दोबारा से, क्या आप लोग वर्चुअल रैली के लिए तैयार हैं, अब तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम इस तीसरी लहर को यहीं पर रोका जा सके, थामा जा सके, इसके लिए आगे वर्चुअल रैली के साथ बढ़ा जाए, क्या आप लोग तैयार हैं, आप लोग सरकार में है, पहला दायित्व आपका बनता है, एग्जांपल सेट कर दीजिए। बिल्कुल मैं कह सकती हूँ यहाँ पर एक ही लाइन में बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारे लिए, क्योंकि हम सरकार में भी है ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरी बात ये क्योंकि हम भाजपा से है इसलिए भी जिम्मेदारी है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जनता को किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, वो भी जान की दिक्कत हो, इसी चीजों को देखते हुए हम लोग वैक्सीनेशन पे बहुत जोर दिए थे। और दूसरी बात एक ही लाइन में बोल दूं, वचन बद्ध दे सदा प्यारा, नयन पर दोष निहारा, कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो दूसरों के दोषों को निहारती रहती है, लेकिन दूसरी पार्टी का छोड़ दीजिए ना, हम बस आप अपना बताइए कि आप लोग वर्चुअल रैली करेंगे आगे, बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैलियां देखने को मिलेंगी?
हम वो सारे काम करेंगे जिसमें हमारी जनता का हित हो, जो हमारे चुनाव आयोग का फैसला हो, जो पूरा विपक्ष मंडल मिल करके कहे, हम उसमें तैयार होंगे। लेकिन चुनाव आयोग आपको क्यों बोलेगा कि आप वर्चुअल रैली करिए? ये तो आप लोगों की पहली सर्वप्रथम जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की बनती है ना, कि अगर लोगों को बचाना है कोरोना के शिकार होने से तो आप लोगों को रैलियां भी करनी है, लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचाना है, हमारा ऐसा विपक्षियों को भी घेरना है, तो क्यों ना आखिरकार ये वर्चुअल माध्यम से हो जाए? ये तो विपक्षियों का घेरना है कि वो हमको बार बार हर तरीके से घेर रहे हैं कि अगर हम रुक जाए, थोड़े दो दिन के लिए भी रुक जाए कि थोड़ा सा विचार विमर्श कर ले कि चुनाव करने भी है कि नहीं करने, तो फिर लगा करके राहुल जी से लेकर के पूरा हमारे यादव जी पूरा घेर कर रख देते हैं, नहीं नहीं चुनाव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें भाजपा की कोई ना कोई चाल होगी, इनका कोई फायदा होगा। दो दिन के लिए केवल मीटिंग के लिए रुक जाते हैं तब। अरे तो आप ये बताइए ना कि आपको इन दलों की ज्यादा चिंता है या फिर जनता की? नहीं, हमें सबसे पहले जनता की चिंता है। और हम तो फिर क्यों सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या कहेंगे लेकर के? आज तक ये सोच रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से दुख या तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। अभी भी आपने बोला हर तरीके से तैयार है, एक बार भी आपने ये सेंटेंस नहीं बोला कि क्या हाँ हम आगे वर्चुअल रैलियां भविष्य में करते नजर आएंगे। विशाल राजपूत जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या कांग्रेस वर्चुअल रैली के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस संवेदनशीलता का परिचय दे सकती है, लोगों की जान की फिक्र कर सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी हर वो मजबूत कदम उठाएगी जो जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर होगा, चाहे वो वर्चुअल रैली हो, चाहे क्या कहते हैं जनता के बीच में जाना हो, हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। और हम लोग पिछले चुनाव में भी ऐसा देखा भी गया है कि कोरोना कार्यकाल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचारों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए भी थे। और जहां तक बात रही वर्तमान में, तो वर्तमान में भी जैसे भी चुनाव के कुछ चुनाव की तरफ से एक अपनी बात रख रहे थे, तो मैं खुद बताना चाहता हूं कि देखिए, जिसके लिए जो भी नियम हो वो साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है और यहाँ का प्रशासन विपक्षी पार्टियों को अपना निशाना बना रहा हो, सत्ताधारियों को सारे मौके दिए जा रहे हैं, विपक्ष के साथ क्या कहते हैं सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो। और इसका उदाहरण भी लेना है तो 2018 के चुनाव में आप देख सकती हैं, 2018 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव की डेट को छोड़ देते हैं सर, उसमें महामारी थी क्या? पूरी बात की उन्होंने, महामारी नहीं थी ना, और अभी जो भी फैसला लिया जाना है वो महामारी के तहत लिया जा रहा है, वो बाद में घोषित करते हैं। तो ये दोहरा ही मापदंड है जो भारत देश की जनता के सामने लगातार चुनाव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को, भारतीय जनता पार्टी दोहरा मापदंड अपना रही है। तो क्या कांग्रेस इस बात को फॉलो करेगी? पंजाब के अंदर, पंजाब में भी तो चुनाव है ना, छोड़ देते हैं, देश के जितने भी प्रदेश चुनाव होने वाला है वो भारत का ही है, और वहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। पालन होता तो मैं आपसे ये सवाल करती ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको कह रही हूँ कि विपक्ष को, कांग्रेस को खासतौर पर नजीर पेश कर देनी चाहिए कि देखिए पंजाब में हमारी सरकार है, हमें लोगों की फिक्र है, हमें जनता की जान की फिक्र है। कहर बिल्कुल ताबड़ तोड़ तरीके से जनता के बीच में फैल चुका था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनमानस को संकट में डालकर सिर्फ चुनावी मोड में चुनाव कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग कैसे? मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते करना हो, आप लोगों की गांधी के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पिछले इतिहास में देखिए भारत के देश को स्वर्णिम इतिहास देने का काम इसीलिए किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वर्तमान में जो क्रिकेट संस्कृति के लोग हैं उसको उसके विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आप खुद देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं दो ही लाइन बात करना चाहता हूँ, जान की खास तौर पर बच्चियों की जान की कितनी परवाह थी सर, आज हमने वो देखा बरेली से, वो तस्वीर पूरे देश ने देखी, और इसलिए आज कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ऐसी घटनाएं यदि हुई है उसके लिए आज कहीं ना कहीं भाई क्या कहते हैं ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ दो लाइन में बात करता हूँ, लेकिन जो प्राइज दिया जाने के लिए बोला था प्रियंका जी ने, पूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को
उससे कोई सरोकार नहीं है। आपको तो मतलब है सिर्फ सत्ता से, कुर्सी से, चुनाव से और वोट से। ठीक है राहुल जी, राहुल लाल जी, विशाल जी, ठीक है सर। आप लोग क्या कर रहे हैं पंजाब में वो भी देखने को मिल रहा है, कोई दूध का धुला नहीं है। राहुल लाल जी आपने सब तमाम लोगों की बात सुनी सर, चुनाव आयोग का विपक्ष आपने जान लिया, अब आखिरकार लोगों को अगर अपनी जान बचाई रखनी है तो उन्हें अपने विवेक से कैसे काम लेना होगा। आम लोग क्या करें क्योंकि ये लोग वर्चुअल रैली के लिए भी तैयार होने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो ठीक है कंचन जी, विशाल जी सुन लेते हैं, आपने इतना गंभीर मुद्दे पर डिबेट रखा, प्लीज 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 ब्लेम गेम्स ऊपर मत डिबेट प्लीज सर, ये लोगों की जान से खेलना मत। सुन लीजिए, सुन लीजिए आप लोग, राहुल लाल जी से मैंने सवाल किया है वो बोल रहे हैं सुन लेते हैं। ये देखिए ये आज का डिबेट अन्य दिनों के डिबेट की तुलना में काफी अलग सा विषय है, गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये कोरोना काल में किसी पार्टी ने कोई उपलब्धि बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त कर ली, जिसकी गिनती कराए चले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरे पार्टियों के लोग कि हमने तो ये कर दिया। अगर वैसी स्थितियां होती तो फिर हम लोग कोरोना के सेकंड वेव में लाखों लोगों की सभाओं को जलते हुए प्रतीक्षारत करते हुए नहीं देखते हम, तो वो तो छोड़ दीजिए। हाँ देखिए मुझे एक चीज है शिल्पा जी, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा और वहाँ पे रिस्पेक्ट सर प्लीज सर सुन लीजिए विशाल जी प्लीज, अरे मैंने आपको नहीं कुछ बोला, मैंने कहा कि कोरोना काल में हमारे संस्थाएं फेल हुई है, हमारी सरकारें और तमाम लोग फेल हुए हैं, यह सच्चाई है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं स्वीकार कर सकते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता इसमें। हाँ। नंबर वन चीज, नंबर टू चीज की देखिए, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस का एक पहल काफी हमें पसंद आया था कि लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लास्ट के चरणों को एक चरण में करा लिया जाए, और कांग्रेस ने लास्ट में वहां पर चुनाव प्रचार बंद भी कर दिया था। उस दबाव में फिर जो है एक तरह से बीजेपी और तमाम दलों ने भी चुनाव प्रचार बंद करा दिया था आखिरी चरण के समय में। उसी तरह के कुछ कदम अभी फिर से तमाम राजनीतिक दलों को उठाने पड़ेंगे। नंबर वन चीज ठीक है, आप बताइए कि शिल्पा जी हम लोग पहले डिबेट के लिए सारे लोग स्टूडियो में जमा होते थे कि नहीं होते थे? बिल्कुल सब स्टूडियो में आके डिबेट करते थे आपके साथ। आज अगर स्थितियां वैसी नहीं है, घर से कर रहे हैं, तो आखिर इस दूसरे विकल्प को राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं अपनाने के लिए तैयार है? राहुल लाल जी आपसे मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर हम वर्चुअल रैली की बार बार बात कर भी रहे हैं तो क्या ये राजनीतिक दल लग रहा है तैयार हैं वर्चुअल रैलियों को लेकर? क्या हमारे गांव में उतने नेट कनेक्शंस हैं? क्या उतने मोबाइल फोन्स हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए ये समस्या है, इन समस्याओं को भी मैं मानता हूँ, आप थोड़ा कुछ वर्चुअल रैली का भी विकल्प रखिए, कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रैली का भी विकल्प रखिए। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तो रैलियां हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकती है, लेकिन वो उदाहरण पेश करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछूंगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभी देश में शासन चल रहा है, उसमें अंततः सारी शक्तियां आपके पास है। जब पिछले वर्ष मार्च में लॉकडाउन लगाया गया तो क्या राज्य सरकारों से विपक्षियों से पूछ के लगाया था लॉकडाउन आपने? तो लॉकडाउन लगाई थी, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां हैं, कम से कम इस समय रैलियां कम से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रैलियां हो, ये आदेश तो गृह मंत्रालय जारी कर ही सकता है, पूरे देश के लिए प्रोटोकॉल बन जाएगा वो। आप एक बड़ी पार्टी है, आप जब खुद इसको फॉलो करेंगे तो विपक्षी पार्टियों को भी इसको फॉलो करना पड़ जाएगा, और जनता आपको धन्यवाद और बधाई। राहुल लाल जी एक और सवाल जरा जवाब दीजिए, जनता के बीच स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि सर अभी फैसला लेने की ताकत किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है या चुनाव आयोग के हाथ में है, या चुनाव आयोग आचार संहिता लगने के बाद एक्शन में आएगा तब उसके पास पावर आएगी? सर सर जरा इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, तस्वीर को स्पष्ट कीजिए। नहीं देखिए चुनाव आयोग की शक्तियां तब प्रारंभ होगी जब चुनाव आचार संहिता लागू होगा, अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी एक तरह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सामान्य ढंग से चल रहा है, और मैं कह रहा हूँ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वो केंद्र सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान करती है। केंद्र सरकार उस शक्ति का प्रयोग करके पूरे देश भर के लिए एक रूल्स रेगुलेशंस वो कम से कम चुनाव को लेकर कर सकती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन रैलियों में हो, या आदेश जारी कर दे वो। हाँ। तो पूरा का पूरा पांचों चुनाव पांचों जगह के लिए लागू हो जाएगा वो। हाँ। तो क्यों नहीं ऐसा कर पाता है केंद्र सरकार कंचन द्विवेदी जी? और दूसरा विकल्प या केंद्र सरकार को खुद अपने वोटों की चिंता पहले है, 2022 उसके बाद 2024 की चिंता पहले है।
मैं यहाँ पर एक राम की जमानत की चौपाई लगाऊंगी जिससे एकदम बात क्लियर हो जाएगी। नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं ओ अबुद न लक्षण देना। हम हर बार ये प्रयास करते हैं कि ना ही कोई दुखी हो, ना ही कोई अबुद हो, ना ही कोई लक्षण ही हो, और इसलिए हम कोरोना के बचाव के लिए तब जब ये लोग हमारे ऊपर आरोपों की बौछार कर रहे होते हैं, तब जब ये सब लोग घरों पर होते हैं, कंचन जी इन सब चीजों के लिए इंसान का जिंदा होना भी तो जरूरी है, इसलिए तो ये मुद्दा इतना गंभीर हो जाता है कि लोग बचेंगे ही नहीं, तो इन सब चीजों की नौबत ही नहीं आएगी। तो केंद्र सरकार आखिरकार पूरे देश के लिए ऐसा शासनादेश क्यों नहीं जारी कर देता? मैं यही तो बता रही हूँ ना कि केवल जीवन बना रहे, इसलिए हमारी पार्टी ने उस समय भी इन चीजों का प्रयास किया और उसमें भरपूर कोशिश के साथ हम लोग नाकाम नहीं हुए, हम लोग बहुत ज्यादा उसमें कामयाब हुए और सभी की जिंदगी सुरक्षित है। हाँ मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां गई और इस बार भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से लोगों को उतनी दिक्कत ना हो जितनी पिछली बार में हो गई है। इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है और रखा जाएगा। अगर रखा जाता मैडम तो शायद आज मुझे ये डिबेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राहुल लाल जी जल्दी से, इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी का मैं रुख करना चाहूंगी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल यही कहूंगा, देखिए कंचन जी ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। देखिए और हमें अभी भी याद है, हम लोग उस समय देखिए महाकुंभ जो कुंभ का आयोजन था हरिद्वार में, उसका प्लस एक तरह से जो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार हो रहे थे गलत ढंग से, उसका काफी तीव्र विरोध हो रहा था। तमाम डिबेट्स में मैं आपके साथ भी शामिल था, उस समय भी शामिल था। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अलग ही कैंपेन के मुद्रा में होती, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं अगर वो ऐसा कुछ भी करती हैं तो उसका काफी जनाधार बढ़ेगा। आपने कितना गंभीर सवाल किया कि हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का समस्या हो, कुछ और भी हो, भाई प्रोटोकॉल के साथ कराइए, रैली कीजिए, क्या दिक्कत है, कराइए। और बाकी दूसरा विकल्प है, आप थोड़ा चुनाव की तिथियों को ही 2-3 महीने आगे टाल दीजिए, वो उससे भी बेस्ट विकल्प है, लेकिन इस पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों के पास पैसे हो सकते हैं तो कम से कम वर्चुअल रैलियों को ऑर्गेनाइज कराने के पैसे तो डेफिनेटली होंगे ही। ठीक है मोहम्मद अमीन, आपका रुख करते हुए, मोहम्मद अमीन अभी फिलहाल चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है। चैलेंज ये कि एक तरफ तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देश लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या चल रहा होगा चुनाव आयोग के मन में इस समय, और किन किन विकल्पों पर इस समय गौर किया जा रहा होगा? सर मैडम आपको ये पता है कि आजादी के बाद से चुनाव करा रहा है दुनिया का एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पे स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं। हाँ। और आरोप प्रत्यारोप में ये लोग हमको लपेटना चाहते हैं। इस समय पूरा देश देख रहा है आपको, पूरा देश सुन रहा है, जनता सुन रही प्रदेशों की, ये लोग जो भी है ये हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। अभी आप पंजाब की बात करें, पंजाब में भी सरकार कांग्रेस की बनी, अभी वेस्ट बंगाल का पिछले इलेक्शन हुआ तो उसमें वेस्ट बंगाल में बना, केरला में दूसरी गवर्नमेंट बनी, ये बिला वजह की बातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोपते हैं। ये लोग जो शासित पार्टी है उसके इन्फ्लुएंस में इलेक्शन कमीशन काम करता है, अभी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा तो सिर्फ इन सभी पार्टियों से अनुरोध है इस बात का कि इलेक्शन कमीशन को पूरा सहयोग दें और अपनी जनता से, अपने वर्करों से और निष्पक्ष रूप से इस बात को साथ दें, और साथ देने के बाद अपने प्रोटोकॉल का पालन करें, ये ना कहें। देखिए मीडिया भी यही कहता है कि चुनाव नहीं करा रहे, विपक्षी दल भी कहते हैं नहीं चुनाव करा रहे। चुनाव जब कराए जा रहे हैं और इन्होंने अपनी सहमत से कराए जा रहे हैं, सारी पार्टियों को बुला के बात किया इलेक्शन कमीशन ने और सारे अधिकारियों से। ठीक है सर, आपको आश्वस्त करता हूँ कि पिछले चुनाव में जो गलतियां रिपीट हुई, जिस तरह मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पास किया, चुनाव आयोग नहीं होगा और सख्ती होगी। ठीक है, सख्ती होगी, उसको पालन करना होगा। ठीक है, और ज्यादा सख्तियां होंगी और उन्हें पालन भी करवाया जाएगा, तमाम पाबंदियों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर अमीन, अगर मान लीजिए लॉकडाउन देश में लग जाता है तो फिर क्या होगा सर? लोगों के मन में, उनके जहन में ये सवाल भी आ रहा है, तो क्या फिर चुनाव पोस्टपोन होंगे? देखिए उसके लिए तो देखिए सबको स्थिति पता होगी, सबके राजनीतिक दलों को पता होगा कि लॉकडाउन लग गया है, और आपको पता होना चाहिए कि जब देश में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी के वक्त इलेक्शन कमीशन का कोई राइट नहीं रहता इलेक्शन कराने का, उस वक्त सिर्फ एक ही बात है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जाए, उसके लिए ये जाने, विपक्षी दल जाने, सत्ता जाने और सरकार जाने, बिल्कुल सही बात, और देश की स्थिति जाने।
इलेक्शन कमीशन किसी हाल में किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी बातों का, ना तो बेईमानी कराता है ना ईमानदारी कराता है। इसी सवाल के साथ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ पर खड़ा किया है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, इसी सवाल के साथ मैं कंचन द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। अब भाई देश में लॉकडाउन ना लगने पाए, लॉकडाउन क्यों लगेगा जब केसेस बेतहाशा बढ़ते नजर आएंगे, जब अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, और वो किसके हाथ में है? ऑब्वियसली सरकार के हाथ में है, आप लोग आप जैसे राजनीतिक दलों के हाथ में है। अब आप लोग क्या करेंगे? देश को लॉकडाउन से बचाना है तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, ईमानदारी के साथ करना होगा, चुनाव की छोड़ के लोगों की जान की परवाह करनी होगी। जी शिल्पा जी, मैं बार बार यही कह रही हूँ, उस पूरी डिबेट में मैंने एक चीज बात कही है कि देश की जनता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो भी जरूरी होगा, लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा तो लॉकडाउन लगेगा, लगाना नहीं जरूरी होगा तो नहीं लगेगा। चुनाव यहाँ पर महत्व नहीं रखता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए देश महत्व रखता है, और वो सारे प्रक्रम किए जाएंगे जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे लोगों को बचा सके। बस मैं यही, ऐसे में कंचन जी पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर ले, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों की बात कर ले, दूसरों को तो कहते हैं, आम लोगों को तो संदेश पहुंचाते हैं कि दो गज की दूरी रखिए, मास्क लगाकर रखिए, लेकिन जब ये रैलियों में खुद नजर आते हैं तो ना तो मास्क होता है और सामाजिक दूरी का तो कहना ही क्या। तो क्या लोगों को के मन में ये नहीं आता होगा, लोग आप लोगों से क्या नहीं पूछेंगे कि क्या जो नियम कानून है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है इस देश में, नेताओं के लिए नहीं? क्या दिन में कोरोना नहीं होता? जाऊंगी, मुझे ये बताइए कि कोरोना सच में हो रहा है ना, प्रोटोकॉल की कोई बात नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहेंगे कि हम कोरोना से बच जाएं? क्या अमित शाह जी नहीं चाहेंगे कि हम कोरोना से बच जाएं? ऐसा नहीं है, वो भी मास्क लगाते हैं, लेकिन जब कोई भी भाषण देना होता है तो मास्क हटाना ही पड़ता है, इसलिए उस समय पर हटाया जाता है। बाकी उन्हें भी अपनी जान की चिंता है और हम लोगों को भी अपने राष्ट्र के हर एक नेता की चिंता होती है, इसलिए ये कहना बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोटोकॉल है, ये तो जीवन का सवाल है। लेकिन चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगा, लोगों की जान की भी चिंता है और चुनावी रैलियों पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी। जरूरत होगी और समन्वय होगा तो वो एक नया ज्ञान मिल गया शिल्पा जी कि मास्क लगा के भाषण नहीं दिया जा सकता, एक नया ज्ञान ये भी प्राप्त हो गया हम लोगों को। जी सर राहुल जी, मास्क लगा कर भी भाषण दिया जा सकता है, लेकिन अगर चाहे तो, नहीं मास्क लगा के भी हमारे नेता भाषण दे सकते हैं, अगर चाहे तो। ये तो आप कह लीजिए कि हमें अपना चेहरा दिखाना है तो हर हालत में हम मास्क लगाए रखेंगे। अरे तो कौन सा तर्क है कंचन जी आपका, बताइए, ये तो ये तर्क कैसे स्वीकार करने लायक तर्क है? ये भी तो सवाल है ना। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशाल राजपूत जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सर राहुल गांधी भी उसी कैटेगरी में आते हुए, प्रियंका गांधी भी उसी कैटेगरी में आती हुई, और बल्कि प्रियंका गांधी तो अभी अभी आइसोलेट होकर वापस लौटने की तैयारी कर ही रही होंगी। देखिए जो हमारा जो नेता होता है वो जनता का आदर्श होता है, जो नेता करता है वो जनता उसको स्वीकार करती है और उसके बताए चले रास्ते चलती है। आप हमारे जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, आप उनको कभी देखिए, आप हमारे जितने भी आप नेताओं को देखिएगा, सारे नेता हमारे वहाँ परमानेंट मास्क का प्रयोग करते हैं और उसके दायरे में और क्या कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का आज भी वो लोग पालन करते हैं। और जहाँ तक बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जिस चीज को प्रचलन में लाते हैं जनता उसको स्वीकार करती है, उन्हीं के रास्ते पे चलती है। तो अक्सर आप किसी भी रैली में आप उठा के देख लीजिए, रैली है या कहीं भी जा रहे हैं, देखिए उनके चेहरे पे कभी मास्क नहीं होता। यानी कि आपके मुताबिक प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहीं ना कहीं नजीर पेश की जानी चाहिए ताकि अन्य तमाम लोग भी इसे फॉलो करें, बाकी तमाम नेताओं पर भी कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव पड़े कि जब देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं मास्क के साथ रैलियां तो फिर हम क्यों नहीं। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी से फाइनल कमेंट चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फाइनल कमेंट्स में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बस इन्हीं दो पंक्तियों में जीवंत, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवंत उदाहरण है कि अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, देश का सत्यानाश हो, भारतीय जनता पार्टी सदा पे निकल चुकी है। और कांग्रेस क्या चाहती है सर, वो भी बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी पिछला उदाहरण में कोरोना काल में जनता के बीच में जाकर उसने क्या क्या सहायता की, क्या क्या चीजें मुहैया कराई है, ये जग जाहिर है, आपके बड़े चैनलों से कई बार दिखाया भी गया है। तो आज उसी हौसले और उसी के साथ वो जनता के बीच में फिर से कोरोना काल में, लेकिन बतौर सरकार आज इस बार महामारी के बीच, कोरोना की तीसरी लहर के बीच पंजाब में आप लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है।
हम सारे इम्तिहान, हम तो आजादी से लेकर आज तक देश में जितने भी इम्तिहान हुए हम देश के साथ रहे और उस इम्तिहानों में सफल भी होने का काम किया है, और वर्तमान में भी भविष्य में भी इस तरह के देखो इम्तिहान आएंगे, जनता के साथ है और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी परीक्षाओं में सफल होकर जनता को सुरक्षा और स्वास्थ्य देने का काम करेंगे। लेकिन सर विनती है मेरी हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से कि जिस जनता की दुहाई बार बार आप देते हैं बस उनकी जान बचा लीजिए, उनकी जान पर ना आने पाए, हमारी ऐसे विकल्प पर आगे बढ़कर काम कीजिए। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करें क्योंकि जनता का जो जीवन है। ठीक है, आपके इसी सवाल के साथ कंचन द्विवेदी जी के पास जाती हुई, क्या ऐसा होगा मैडम, क्या नजीर पेश होगी प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल होगी, ये आपने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी अपील की, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी यही कहूंगी कि हम सब लोगों को मिलकर के इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमारी राजनीति एक बार हमें किनारे करके हमें देश के भविष्य के बारे में और देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र जो ये बोल रहे थे ना अभी, हाँ ये हम लोग जरूर करते हैं कि धर्म का हमारे साथ में उपयोग हो, हम धर्म के साथ चले, जो इन्होंने नारा बोला वो बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्र का नारा क्या है, परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अदमाई, ये हमारी संस्कृति है और ये बीजेपी का नारा है। हम इसी धर्म और शास्त्र के साथ चलते हैं और यही हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश का हित होना चाहिए, इनका उल्टा वाला नारा था, इसलिए मैं उसे सही कर दी। लेकिन मैडम चाहे बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, जिस तरह से आप चुनावी रैलियां कराने को लेकर कहीं ना कहीं एकमत है, मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक दूसरे के सहयोग के साथ देश के लोगों की जान बचाने के लिए भी सामने आए, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हर संभव कोशिशें करते नजर आए। राहुल लाल जी आपके पास आते हुए, जाते जाते आप किस तरह से भविष्य की तस्वीर को देख रहे हैं सर, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? एक तरफ देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। देखिए तस्वीर ये रहेगी कि जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां आपको लॉकडाउन नहीं दिखेगा, और लॉकडाउन दिखेगा भी तो कम से कम चुनावी रैलियों पर लॉकडाउन नहीं दिखेगा। अभी आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में कई तरह के लगातार प्रतिबंधों में वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे ही दिल्ली से क्रॉस करके आप उत्तर प्रदेश आ जाइए आपको उस प्रकार के जो है कि प्रतिबंध नजर नहीं आएंगे। तो ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है, और इस पूरे डिबेट से भी ये चीज समझ के निकल के आ रही है कि जनता के साथ रूल्स रेगुलेशन अलग है, पॉलिटिकल पार्टियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त है, जनता शादी नहीं कर सकती, उसमें 20 लोगों को बुला सकती है, उनके ऊपर हर तरह के छोटे छोटे प्रतिबंध उनके ऊपर लग रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां लाखों की जो भीड़ जमा कर रही है, तो ये बिल्कुल एक गलत सा ट्रेंड है, और चुनाव सही दिशा में जाते हुए हमें नहीं लग रहा कि तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ गंभीर है कोरोना को लेकर। ठीक है डॉक्टर अमीन, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। चाहता हूँ कि जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गई थी कि इलेक्शन कराया जाना चाहिए, उसी तरह इनको चाहिए कि अपने वर्करों को, अपने पार्टी के लोगों को एक करके कहें कि प्रोटोकॉल का पालन करें और हमारे इलेक्शन कमीशन को पूरा सहयोग दें। यही मीडिया है जिससे हम आशा करते हैं कि हमें सपोर्ट करेगा, और जनता भी सपोर्ट करेगी और ये लोग भी सपोर्ट करेंगे पार्टी के लोग, तभी इलेक्शन सख्त और आसानी से हो सकेगा और जनता की जान बच सकेगी। धन्यवाद आपका, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर हमें एक दूसरे के सहयोग के साथ हर हाल में आगे बढ़ना होगा ताकि चुनाव भी हो सके, उस विकल्प पर काम करना होगा, चुनाव भी हो जाए, कोरोना विस्फोट को भी यहीं पर रोक लिया जाए और किसी तरह की किसी प्रक्रिया में भी कोई बाधा ना उत्पन्न होने पाए। उसके लिए चुनाव आयोग को, तमाम राजनीतिक दलों को मिलकर बैठकर काम करना होगा, चर्चा करनी होगी, हंगामा नहीं। हंगामे से कुछ हासिल नहीं होता, आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होता, आम लोगों की जान इस समय सर्वोपरि मानी जानी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पूरा देश देख रहा है, और अगर देश लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ता हुआ तो उसे भी कैसे रोका जाए, इसमें राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों को भी अपना दायित्व निभाना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा, तभी यह जंग जीती जा सकेगी। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।